और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एलजेपी को लेकर एनडीए में खींचतान चल रही है। जेडीएमएलसी गुलाम गौस ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की तुलना राजकुमार से करते हुए कहा कि ऐसे लोग सहारा हटते ही औकात पर आ जाते हैं। गुलाम गौस के इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। एलजेपी को लेकर एनडीए में विवाद जारी है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस के बयान से यह विवाद और गहरा गया। गुलाम गौस ने इशारों इशारों में एलजेपी मुखिया चिराग पासवान को राजकुमार बताया और कहा कि वंशवाद की परंपरा कांग्रेस से शुरू हुई और दूसरे दलों में फैल गई। गौस यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वक्त आने पर ऐसे लोगों को अपनी औकात पता चल जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के टाइम से हो गई थी, वंशवाद की परंपरा, लेकिन जितने भी जो राजकुमार हैं, राजनीतिक राजकुमार, प्रिंसेस, वो सही माने में दूसरे के कंधों पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि मेरा कद बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि जिस दिन निचला जो अपना कंधा झाड़ देगा तो जो ऊपर बैठा हुआ उसका नाक दांत मुंह सब टूट जाएगा। लंबाई समझ में आ जाएगी कि हम कितने लंबे हैं, औकात समझ में आ जाएगा राजनीति की। जेडीयू ने जहां गुलाम गौस के बयान का समर्थन किया है, वहीं जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। गुलाम गौस जी बड़ा अनुभवी लीडर रहे हैं और राजद में रहे, बाद में हमारे यहाँ आया, अभी एमएलसी है, पुराने अनुभव वाले हैं। वो एक उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमेशा पॉलिटिकल आदमी को अपनी असेसमेंट करनी चाहिए। किसी का कोई चीज में पकड़ होता है, किसी का कोई चीज में पकड़ होता है, लेकिन जब हम एक टीम के रूप में बढ़ते हैं तो सभी के गुणों के कारण ही सफल होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस रूप में हम सभी को लेना चाहिए और सभी को गठबंधन धर्म के सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए। एनडीए में जारी घमासान पर आरजेडी ने चुटकी लेते हुए इसे चिराग पासवान की बेइज्जती बताया। एनडीए का जो आग लगा हुआ है एनडीए में, तो एनडीए खाक होने जा रहा है। अब चिराग पासवान जी को सोचना है कि दांत मुंह बचाना है कि जड़वाना है जेडीयू के नेताओं से। गुलाम गौस के बयान पर एलजेपी ने एतराज जताते हुए पलटवार किया है। गुलाम गौस साहब, हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, आप पहले अपने नेताओं की फिक्र कीजिए जिनको डेली जनता ढेला और पत्थर लेकर के दौड़ा रही है और भागते चल रहे। एनडीए के बड़े नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके गठबंधन में सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर बयानबाजी हो रही है, उससे ये साफ हो गया है कि एनडीए में खटपट